चलो गाइस, चलो गाइस, ये भी तो थोड़ा ही ठंडा पी गया। चलो गाइस, आई लव आगरा, क्या बात है। हेलो गाइस, मेरा नाम है देवरत राणा और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को राम राम और आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं जा रहा हूं आगरा के लिए, तो देखते हैं कैसा रहेगा सफर ये हमारा। तो अभी बज रहे हैं 6 और मैं उठ गया था 5 बजे। अभी थोड़ी देर में चलेंगे, बस 15-20 मिनट में चलेंगे यहाँ से, चले जाएंगे हम लोग। तो चले जाएंगे हम ट्रेन में सीधा दिल्ली, दिल्ली से फिर आगरा, तो दिखाएंगे आपको। अभी चलते हैं, अभी 6:30 हो चुके हैं और सबसे मिल के बाय बाय कर, बस बाय बाय करके सब फिर चलते हैं, बाय। ठीक है, इसे पता नहीं पापा दिखे ही नहीं से, ये भी छोगे उठेगी। अभी मैं आ चुका हूँ नीचे और मम्मी से मिलवाते हैं। ये देख लो मम्मी, आप सब कैसे हो? हम भी ठीक है। आज ये घूमने जा रहा है, ये जाके बताएगा कहाँ जा रहा है। नहीं बता दिया मैंने, आगरा, आगरा ताजमहल। तो मम्मी अभी भैंस बांध रही थी। ठीक है मम्मी, बाय। मैं चुका हूँ सड़क पर, अभी देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं। तो चलो चलते हैं, अब पहले बड़ौद जाएंगे, यहाँ से अपने गांव से दाह से बड़ौद की तरफ जाएंगे। गाइस हम आ चुके हैं बड़ौद और अभी फाटक पे जाम लग चुका है। जो सी ट्रेन आने वाली है वो जिस माह में बैठना है वो आ रही है, तो अभी जाम लग चुका है। हमें थोड़ा सा और टाइम लगा, पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि फाटक तो बंद हो चुके हैं, टेम्पो जाने वाला नहीं था। तो अभी चलते हैं, ये देख लो अभी हम पटरी पर चल रहे हैं। भाई ट्रेन आने लगी पीछे पीछे, ये देख लो गाइस, ये जा चुकी है ट्रेन स्टेशन पर। जो थोड़ी देर और रुक जाए तो हम चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे फिर। सुबह रहा ट्रेन अभी तक यहाँ पर ही खड़ी है क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप था, बस 2 मिनट के बाद चल देती। अभी ये रुक गई है क्योंकि ये थोड़ी सी आज पहले आ चुकी है ट्रेन, तो बैठते आराम से देखते हैं। अनु टिकट लेने के लिए जा रहा है, वो टिकट लेकर आएगा तो बैठ जाएंगे। आखिरकार हम ट्रेन में बैठ चुके हैं गाइस, अभी ट्रेन चल दी है और ये देख लो अब हम बड़ौद को छोड़ने वाले हैं। और देख अभी फिलहाल हम बागपत आ चुके हैं, ये देख लो ये बागपत का स्टेशन है। अभी आ चुके हैं खेकड़ा और खेकड़े रुक चुकी है ट्रेन, और आप भीड़ देख लो ये कितनी सारी है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। ये देख लो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है, ये देख लो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। बड़ौद से दिल्ली तक ऐसे ही भीड़ रही थी। ये देख लो गाइज हम आ चुके हैं यमुना नदी के ऊपर, ये देख लो अरे सारी सूखी पड़ी, बस थोड़ा बहुत आगे है पानी, आपको आगे भी दिखा देंगे। ये देख लो बस यही है, थोड़ा बहुत पानी है यमुना का, बस क्या बात है। तभी बस यमुना के बाद स्टेशन भी आने वाला है, उतरेंगे फिर पकड़ेंगे हम आगरा के लिए, देखते हैं कैसा रहेगा। ये बहुत ही मुश्किल पकड़ी गई थी ये ट्रेन भी, ये तो सुबह रुक गई थी क्योंकि दूसरी ट्रेन जा रही थी, तो इस वजह से इसे रुकना पड़ा, तो हम बैठ गए थे। ट्रेन रुक चुकी थी यमुना नदी के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना ली जाए, ये देख सकते यमुना नदी को पार करने के बाद हम आ चुके थे दिल्ली, और ये है लाल किला। जो ट्रेन, ये ट्रेन लाल किले के पीछे से जाती है, तो ये पीछे का साइड है, मतलब पिछली साइड है ये जो कुछ भी है, तो ये देख सकते हो आप। अरे भाई पीछे मुंह कर ले यार, वीडियो बना ले। अभी आ चुके हैं दिल्ली स्टेशन पे, तो उतरते हैं। चलो भाई चलो,
अच्छा, ये देख लो कोई उस्ताद था ठड़ा, ये देख लो क्या कर रखा है उसने। ये देख लो जहाँ पर ये ट्रेन खड़ी है, जो जिसमें हमें जाना है वो ट्रेन यहाँ पर ही आएगी। अभी अभी उसको टाइम लगेगा, लगभग 20 मिनट तो लगेगी, ये जाएगी फिर वो आएगी। हम बैठ चुके हैं दिल्ली से आगरा वाली ट्रेन में और ये चलती है। मैं आ चुका हूँ आगरा। आई लव आगरा, क्या बात है। अभी ऑटो कर लिया है और अभी जा रहे हैं होटल ढूंढेंगे, आराम से जाएंगे। तो गाइस हमने आगरा में होटल ले लिया है। अरे रुक जा, किल की ना मारे रुक जा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये रूम। तो ये देख लो, ये एलईडी लग रही है, दो बेड है। तो एक मेरे साथ भी आ रहा है, गांव का, हमारे मोहल्ले का है। वो ये कह रहा था कि भाई मेरी वीडियो नहीं बनाना, तो मैं ब्लॉग में नहीं आना चाहता, तो उसने मना कर दिया। मगर ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपने दो बेड है, वो वाला मैं लूँगा, ये वाला मेरा दोस्त लेगा। एसी हो गया है, ऐसा कुछ रूम है। और अभी एक शीशा लग रहा है यहाँ पर। तो अभी वो भी फ्रेश हो रहा है, मुँह हाथ धो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुँह भी गंदा हो चुका था ट्रेन मारते वक्त, इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़। तो उसकी भी बात बताएंगे, फिलहाल अभी बैठते हैं थोड़ी देर और फिर घूमने जाएंगे बाहर, देखेंगे कैसा माहौल है यहाँ का। कल जाएंगे हम ताजमहल देखने के लिए। पहले तो मेरे दोस्त का कुछ काम सा है थोड़ा सा, वो करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हम ताजमहल देखने के लिए और फिर अपना घर जाएंगे। गाइस नहा के रेडी हो चुके हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदे भी हो रहे थे, और तो अब फ्रेश सा फील करते हैं। अभी चलते हैं घूमने के लिए। तो चलो गाइस हम आ चुके हैं अभी रोड पे, तो देखते हैं क्या क्या है खाने पीने के लिए, घूमते हैं मस्त। हम ये सोच रहे थे कि कुछ सिंपल सा खाएंगे, कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, फिर ये था। फिर हमने मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया और बहुत ज़्यादा स्वाद था, अच्छा भी लगा खाने में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। मस्त अपना खा पी के आ चुके थे और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, अभी बस कमरे पर आए हैं यहाँ पर रूम पे। तो लेट थे, अपना सोएंगे, फिर सुबह जल्दी उठना है। तो चलो गाई अरे पैर का चला ले पीछे। चलो गाइज इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पर ही समाप्त। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को देखते रहना। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए करता हूँ बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके बता सकते हो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। तो बाय बाय, तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।